हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज एके चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय एके चौधरी में। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान के उन सभी अनुच्छेद पर जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले आपके लिए संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को लेकर दो वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरा विशेष आग्रह होगा आपसे कि आप उन वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियो लेक्चर का लिंक प्रदान कर दूंगा। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको एज इट वह वीडियो लेक्चर इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 74 के अनुसार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61 के अनुसार, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 54 के अनुसार, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32 के अनुसार। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 32 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है, इसीलिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट कैसे कर पाता है, तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 32 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है 5 प्रकार की। अब आप यहां पर यह जानना चाहेंगे कि सर वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों 5 प्रकार की जो रिट है इसमें पहली रिट कौन सी आती है, तो इसमें पहली रिट आती है, ध्यान रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे नंबर पर आती है परमादेश। तीसरे नंबर पर आता है उत्प्रेषण। चौथे नंबर पर आता है प्रतिषेध। और पांचवें नंबर पर आता है अधिकार प्रच्छा। क्लियर है मेरी बातें? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है मौलिक अधिकार का संरक्षक। मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। ठीक है, कितने प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, 5 प्रकार की। क्लियर है मेरी बातें? चलिए चलिए अदर ऑप्शंस में नजर डाल लेते हैं। अदर ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 74 और 74 के अंतर्गत लिखा है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, याद रखना 61 में क्या लिखा है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। और आर्टिकल नंबर 32 से तो आप परिचित ही हैं। क्लियर है मेरी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 50A, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 49A और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 52A। क्लियर है चीजें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या लिखा है बताएंगे, मौलिक कर्तव्य लिखा है। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य किसे प्रदान किए गए हैं, तो ध्यान रखना मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं
नागरिकों को भारतीय संविधान में कब जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, कब जोड़े गए हैं, 1976 में जोड़े गए हैं, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं, तो ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें जोड़ा गया है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कशन करते हैं। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्याख्या की गई है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी है याद रखना अनुच्छेद 19 में, या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14 में। मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत तो हमने क्या पढ़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ओके, दूसरे नंबर में है ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 29। तो आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत है अल्पसंख्यक के हित, क्या है अब बताएंगे, अल्पसंख्यकों के हित। ठीक, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, क्या लिखा है मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता प्लस विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप इस बात से सहमत हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कहां लिखा है, तो आर्टिकल नंबर ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 29 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, आर्टिकल नंबर 29। क्लियर है मेरी बातें। तो हर क्वेश्चन को हम इतने डिटेल से जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए वाजिब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 17 नहीं, बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख मिलता है, तो इसके अंतर्गत उल्लेख मिलता है अस्पृश्यता का अंत, क्या मिलता है, अस्पृश्यता का अंत मिलता है। आर्टिकल 17 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। तो ध्यान रखिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर बच्चों के शोषण की बात कर रहा है। 17 में तो क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल नंबर 19 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 19 में लिखा है ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद नंबर 23, तो इसके अंतर्गत क्या लिखा है, तो इसके अंतर्गत लिखा है ध्यान रखिएगा मानव दुराव्यापार और बेगार प्रथा प्रतिबंध, बेगार प्रथा पर प्रतिबंध इसका उल्लेख है।
और आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 24 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 24 में लिखा है मेरे प्यारे साथियों बलात्श्रम निषिद्ध, बलात्श्रम निषिद्ध। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 24। क्या लिखा है 24 में, तो 24 में लिखा है छोटे बच्चे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी स्तर पर काम नहीं कराया जाएगा। तो याद रखना यह बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, नहीं बिल्कुल नहीं है, इसमें विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 ए में लिखा है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और अनुच्छेद 19 ए में क्या लिखा है बताएंगे, तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 19 ए में लिखा है प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में लिखी है, अनुच्छेद 19 ए में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और डिस्कशन करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 19, क्या होगा बताएंगे, ऑप्शन नंबर 19। तो याद रखिएगा भाषण और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद नंबर 19 के अंतर्गत यह है। ठीक है, 20 के अंतर्गत क्या है, 20 में हम बात करें उससे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं ये बताना चाहूंगा, तो आर्टिकल नंबर 19 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है मेरी बातें, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा याद रखना दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार, तो दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार कहां पर है बताएंगे, अनुच्छेद 20 में। 21 में क्या लिखा है, प्राण और देही स्वतंत्रता, क्या लिखी है, प्राण और देही स्वतंत्रता लिखी है, यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत की सीमाओं के भीतर गरिमामय पूर्ण जीवन यापन का अधिकार होगा लेकिन मरने का अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में लिखा याद रखिएगा गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार कहां पर है बताएंगे, अपना आर्टिकल नंबर 22 में लिखे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन देख लीजिए 52, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 55 और ऑप्शन डी है 57। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद नंबर 57। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान किए गए हैं, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक उल्लेखित किए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए, क्या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, क्या मौलिक अधिकार 12 से लेकर 30 तक है, क्या मौलिक अधिकार 15 आर्टिकल से लेकर 35 तक है, या फिर मौलिक अधिकार 14 से लेकर 32 तक है। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बताएंगे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक उल्लेखित है। अगर बात करें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ओके, आगे बातचीत करेंगे कि कौन सा एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन देख लीजिए अनुच्छेद 1 से 5, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35
और डी ऑप्शन है 36 से 51। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 क्या बताएंगे, किसका प्रावधान है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नागरिकता संबंधी प्रावधानों को भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? तो भाग है, ध्यान रखना, बताएंगे भाग 2। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत के अंदर जो नागरिकता है वह ध्यान रखना एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए भारत के अंदर नागरिकता के प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो भारत के अंदर जो नागरिकता के प्रावधान है यह है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान यह लिया गया, बताएंगे ब्रिटेन देश से। क्लियर है चीजें? तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आज की बात आपको समझ में आई होगी। इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, इनकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।